एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वहीं पर सब्जियों के दामों में भी उछाल देखने को मिला। महंगाई की मार से अब लोग परेशान हैं और साफ तौर पर मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। शिमला से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट, आप देखिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद अब जो है सब्जियों के दामों में भी जो है बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से गरीब जनता का घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिमला की सब्जी मंडी में, जहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं हर रोज जो है करीब सैकड़ों की संख्या में लोग जो है स्थानीय निवासी जो है खरीदारी के लिए पहुँचते हैं, सब्जी यहाँ से लेके जाते हैं। ऐसे में कुछ एक स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो कि खरीदारी के लिए आएंगे। मैम, क्या नाम है आपका? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दामों में जो है बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो किस तरह आप देखते हैं, कितना असर जो है आपके जेब पर? बहुत असर पड़ रहा है, लेनी तो पड़ती है, क्या करना, अब क्या करना, लेनी पड़ती है, महंगी बहुत हो गई, असर देना है, क्या मांग सरकार से करते हैं? मांग तो ये करते थे सस्ते सब महंगाई कम करते। आपका क्या नाम? प्रेम लता नाई। खरीदारी करने पहुँचे हैं, किस तरह से सब्जियों के दामों को आप देखते हैं? क्योंकि महंगाई के दाम तो आप देख ही रहे, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, सब्जियों में कितना असर जो है आपके घर पे बजट पर पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है बजट पर, क्या करना है, पड़ेगा कैसे। नींबू के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? क्योंकि करीब 300 रुपए के पास पहुँच वो भी तो बहुत ही महंगा हो चुका है, और हर चीज महंगी है, सब्जियाँ बहुत महंगी है, सुबह शाम सब्जी 100 रुपए की सब्जी एक ही टाइम बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कुछ एक महिलाएं जो यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुंची हैं। ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि घर के बजट पर इनका जो है काफी असर दिख रहा है महंगाई का। वही कुछ एक स्थानीय दुकानदारों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या दाम जो है सब्जी के यहाँ पर चले हुए हैं। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या क्या जो सब्जी है, भिंडी की बात करें या करेले की, तो क्या दाम जो है इसका भी चला हुआ है? भिंडी 60 रुपए किलो, करेला 40 रुपए किलो। नींबू की बात करें तो नींबू में जो है काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, करीब 300 के पास पहुंचने वाला है। तो शिमला में कितना दाम जो है उसका? 140 रुपए किलो। क्या किसी तरह की आपकी डिमांड पर कोई असर पड़ा है इस महंगाई का? महंगाई तो जी है, महंगाई तो है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश से मतलब फसल स्मैश हो गई, चाहे कुछ भी ले लो आप, मटर पहले दौरान में खत्म हो गई थी, बारिश नहीं हो रही है तो महंगाई तो होनी होनी है। आप पेट्रोल डीजल की कीमत देख लो, ये तो किसी के बस की बात नहीं है जी, असर तो गरीब के ऊपर ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ एक दुकानदार और स्थानीय निवासी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बढ़ती महंगाई पर लोगों की जेब पर जो है असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। नीरज चोपड़ा, जनता टीवी, शिमला।